हेलो एवरीवन, मैं शिवम शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं अपना पार्ट फोर और ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। कौन से चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 7 का है बच्चा, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, जो कि हमारा क्लास 12th का चैप्टर है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं, जो पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, अगर उनको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और नीचे रेड बटन है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन में आपको MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस चैप्टर के और नोट्स आने वाले 2-3 दिनों में अपलोड हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। और इसका जो पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट है बच्चा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। आज का जो हमारा क्लास है उसमें आज हम सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है हमारा मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ हार्ट टिश्यू इंजरीज। बच्चा, इससे पहले वाले पार्ट में आपने क्या किया था? आपने सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जाना था। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में कौन कौन सी आती है? स्किन इंजरी आती है, मसल इंजरीज आती है, सबके बारे में जाना था ना। तो अब बात करते हैं हम हार्ट टिश्यू इंजरीज की। बच्चा, हार्ट टिश्यू हमारे बॉडी में क्या होती हैं? बोन्स होती हैं। ठीक है, तो आज हम बोन इंजरीज के बारे में जानेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ बोन इंजरीज या फिर मैनेजमेंट ऑफ हार्ट टिश्यू इंजरीज। ठीक है, जो भी हमारी बोन्स में इंजरीज होती हैं आज हम उसके बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं आज का जो हमारा मैनेजमेंट है टॉपिक, इसका जो सबसे पहला सब टॉपिक है वो है हमारा डिसलोकेशन। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है बोन इंजरीज के मैनेजमेंट का वो है बच्चा डिसलोकेशन। अब डिसलोकेशन कहाँ पर होता है? जहाँ पर हमारा जॉइंट्स होता है, मींस जहाँ पर हमारी जॉइंट्स हैं वहाँ पर डिसलोकेशंस होते हैं। तो जो इंजरी हमारी है डिसलोकेशन, वो इंजरी हमारी जॉइंट्स की इंजरी है। क्यों है? क्योंकि जब भी किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से हमें हिट होता है तो हमारी अगर बोन्स ऐसी हैं और वो अपनी प्लेस से हट जाती हैं तो डैट टाइप ऑफ इंजरी इज नोन एज डिसलोकेशन। इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं तो डिसलोकेशन इज अ इंजरी ऑफ जॉइंट इन विच एडजॉइंट बोन्स, एडजॉइंट्स मीन जो बोन जॉइंट्स होती हैं वो अपनी प्लेस से हट जाती हैं, मीन्स डिसलोकेट हो जाती हैं। अपनी प्लेस से हट जाना को हम डिसलोकेशन कहते हैं। जब भी हमारी जॉइंट्स की बोन्स अपनी जगह से हट जाती हैं, डिसलोकेट हो जाती हैं, तो डैट टाइप ऑफ इंजरी इज नोन एज डिसलोकेशन। ज़्यादातर जब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपने सुना होगा, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है हमारी नीज में होता है, तो हमारा वहाँ डिसलोकेशन हो सकता है। और डिसलोकेशन का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा लोग कहते हैं मेरा कंधा उतर गया, ठीक है, शोल्डर उतर गया, तो वो क्या होता है? डेट इज डिसलोकेशन ऑफ बोन। ठीक है, बोन का डिसलोकेशन हो जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज डिसलोकेशन ऑफ बोन। अब आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे जो कि है फ्रैक्चर। देखिए, फ्रैक्चर आप सबको पता है क्या होता है, हड्डी टूटने को हम फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर इट इज अ इंजरी ऑफ बोन इन विच अवर बोन ब्रेक डाउन और स्लाइटली ब्रेक डाउन, ठीक है, इज नोन एज फ्रैक्चर। ये हो गया। अब बात करते हैं हमारा जो फ्रैक्चर होता है बच्चा, ये दो टाइप का होता है, एक होता है क्लोज्ड और एक होता है ओपन। अब आप कहेंगे सर बोन में क्लोज्ड और ओपन क्या होता है? बच्चा, क्लोज्ड मतलब जो हमारा बोन है, ठीक है, वो अगर टूटा भी है तो वो स्किन से बाहर नहीं आया, मींस अगर मेरे इस हाथ की बोन टूटी है और वो बोन मेरी इस हाथ की स्किन को फाड़ के बाहर नहीं आई है, मींस वो बोन हमें आउटसाइड दिख नहीं रही है, बस अंदर ही टूटी है, तो डैट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज नोन एज क्लोज फ्रैक्चर। अगर हम ओपन की बात करें तो जैसे ये मेरा हैंड है और इसकी ये बोन है, अगर ये बोन टूट गई और ये ऐसे बाहर आ गई, ठीक है, ऐसे जब बाहर आ गई मींस मेरे को बोन दिख रही है ना, मींस ओपनिंग और ब्रेकिंग ऑफ स्किन बाय एनी बोन ड्यू टू फ्रैक्चर इज नोन एज ओपन फ्रैक्चर। मींस हड्डी अगर टूटती है और वो स्किन को फाड़ के बाहर आ जाती है, डैट इज ओपन फ्रैक्चर। अब क्लोज की बात करते हैं, दोबारा बता देता हूँ, क्लोज फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होता है जिसमें बोन तो टूटती है बट वो स्किन से बाहर नहीं आती, स्किन को ब्रेक नहीं करती है। आई होप आई एम क्लियर व्हाट इज डिसलोकेशन, व्हाट इज फ्रैक्चर एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ फ्रैक्चर। फर्स्ट है क्लोज एंड सेकेंड है ओपन फ्रैक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रैक्चर के बहुत सारे टाइप्स की। बच्चा, बहुत टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं, आप सबने सुने होंगे, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला फ्रैक्चर है वो है बच्चा कंप्लीट फ्रैक्चर।
कंप्लीट फ्रैक्चर क्या होता है? कंप्लीट फ्रैक्चर से नाम से ही आप समझ सकते हैं कि अगर ये बोन है और ये टूट गई कंप्लीटली, तो डैट इज कंप्लीट फ्रैक्चर. मीन्स मतलब इफ एनी बोन ब्रेक इन टू पीसेज इज नोन एज कंप्लीट फ्रैक्चर. अब बात करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की बच्चा, जो हमारा है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर. इनकम्प्लीट फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होता है जिसमें हमारी बोन्स दो पार्ट्स में नहीं होती हैं, लाइक हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया. या फिर आप ये मानो अगर ये बोन कंप्लीट है और मैंने हल्का सा ऊपर का पार्ट इसका ऐसे कर दिया, मीन्स हल्का सा क्रैक आ गया है, दैट फ्रैक्चर इज नोन एज इनकम्प्लीट फ्रैक्चर. और अगर इसकी डेफिनेशन में बात करें तो दोज फ्रैक्चर इन विच बोन ब्रेक बट इट डिड नॉट ब्रेक इन टू पार्ट्स और टू पीसेस इज नोन एज इनकम्प्लीट फ्रैक्चर. ओके, आई होप आपको दोनों फ्रैक्चर क्लियर हो गए होंगे. अब बात करते हैं बच्चा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की, जिसको हम हेयरलाइन फ्रैक्चर भी कहते हैं. ये फ्रैक्चर ज़्यादातर नोज में आपने सुना होगा, एक मूवी है गोल, ठीक है, जॉन इब्राहिम जिसमें था, उसमें उसको नाक पे जो फ्रैक्चर होता था ना, डैट फ्रैक्चर इज नोन एज हेयरलाइन फ्रैक्चर. ठीक है, अब बात करते हैं हेयरलाइन और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर एक ही फ्रैक्चर होता है. इसमें हमारी बोन्स होती हैं, लाइक अगर ये हमारी बोन है तो ये बेंड हो जाएगी, टूटेगी नहीं, इट्स बेंड. तो बेंडिंग ऑफ इट्स बेंड मीन्स बेंडिंग ऑफ एनी बोन इज नोन एज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर. और बच्चा ये वाला फ्रैक्चर जनरली बच्चों में होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो बोन्स होती हैं वो वीक होती हैं और वो ईजिली बेंड हो जाती हैं, फ्लेक्सीबल होती हैं वो, ठीक है, इस वजह से वो बेंड हो जाती हैं. तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर और अ इंजरी इन विच एनी पर्सन बोन बेंड, नॉट ब्रेक, इट्स बेंड, इज नोन एज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर और हेयरलाइन फ्रैक्चर. और एक और चीज, ये टूटती नहीं है, स्लाइटली अगर क्रैक हुआ तो होता है, ठीक है, मीन्स बेंडिंग ऑफ एनी बोन विथ अ स्लाइटली क्रैक इज नोन एज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर. आई होप आई एम क्लियर ना. अब बात करते हैं अपने फोर्थ वाला जो हमारा फ्रैक्चर है, वो है हमारा कम्यूट फ्रैक्चर. ठीक है, अच्छा, कम्यूट फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होता है जिसमें हमारा अगर ये बोन है और ये यहाँ से टूटा है, ठीक है, ये दो पार्ट में नहीं टूटेगा, इसके बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं टूटने पे. लाइक अगर ये टूटा तो यहाँ का ये भी टूट गया, ये निब भी टूट गया, सब टूट गया. मींस बहुत सारी पीसेस जब होते हैं किसी भी फ्रैक्चर में, मींस अगर एग्जांपल से आपको दिखाऊं कि ये एक बोन है और ये एक बोन यहाँ टूटी है, तो यहाँ पर जो फ्रैक्चर हुए वो बहुत छोटी छोटी बोन्स टूट चुकी हैं, मींस बोन के बहुत सारे पीसेस बन जाते हैं, तो डैट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज नोन एज कम्यूट फ्रैक्चर. कम्यूट फ्रैक्चर इज अ इंजरी इन विच बोन ब्रेक अप इन मैनी स्मॉल पीसेज इज नोन एज कम्यूट फ्रैक्चर. ओके, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फ्रैक्चर की, जो है इम्पार्टेड फ्रैक्चर. अब इस फ्रैक्चर की हम बात करते हैं बच्चा, ये वो फ्रैक्चर है जिसमें हमारी बोन टूटती है और वो वाला पार्ट, हमारा जो टूटा हुआ पार्ट है बोन का, वो किसी और बोन में टकराए जाके, ठीक है, और उस पर कोई इम्पैक्ट डाले या कहीं और जाके टकरा के इम्पैक्ट डाले, तो डैट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज नोन एज इम्पार्टेड फ्रैक्चर. इस फ्रैक्चर में हमारी टूटी हुई बोन किसी और बोन पे जाके इम्पैक्ट डालती है. आई होप आई एम क्लियर ना. अब हम बात करते हैं अपने सिक्स्थ फ्रैक्चर की, जो है हमारा है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर. ठीक है, अब इस फ्रैक्चर की हम बात करते हैं बच्चा, ये फ्रैक्चर है जिसमें हमारी बोन राइट एंगल पे टूटती है विद देयर एक्सिस. ठीक है, कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हमारी बोन एक राइट एंगल पे टूटती है विद देयर एक्सिस. ओके, आई होप आई एम क्लियर. अब इसके बाद में आते हैं अपने सेवेंथ फ्रैक्चर पे, जो हमारा है स्ट्रेस फ्रैक्चर. स्ट्रेस मींस आप सबको पता है ना कि किसी ऊपर स्ट्रेस डालना, मींस किसी के ऊपर दबाव डालना, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर दबाव की बात हो रही है. अब स्ट्रेस फ्रैक्चर हमारा वो फ्रैक्चर होता है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हेयरलाइन फ्रैक्चर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेयरलाइन फ्रैक्चर, ये याद रखिएगा. अब बात करते हैं अपने स्ट्रेस फ्रैक्चर की बच्चा, स्ट्रेस फ्रैक्चर में रेगुलरली प्रेशर पड़ता है किसी भी एक बोन पे और ड्यू टू डैट प्रेशर वो बोन टूट जाती है. लाइक आप अगर जंप करते हैं बार बार, तो आपके यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा ना, इन बोन्स पे प्रेशर पड़ेगा, और आप बार बार कंटिन्यू जंप करते रहेंगे, अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे, तो एक टाइम ये आएगा कि आपका ये इधर का बोन होगा लेग का, वो टूट जाएगा. तो डैट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज नोन एज स्ट्रेस फ्रैक्चर. और जब भी हम बार बार कूदते हैं तो हमें वहाँ स्ट्रेस पड़ रहा है, वहाँ प्रेशर पड़ रहा है, तो ड्यू टू द प्रेशर ये हमारा फ्रैक्चर होता है. ठीक है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है
ड्यू टू द जंपिंग हमें स्ट्रेच फ्रैक्चर होता है। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर की, जो हमारा है बच्चा ओब्लिक्यू फ्रैक्चर। अब जानते हैं कि ओब्लिक्यू फ्रैक्चर होता क्या है बच्चा। ये वो फ्रैक्चर होता है, इट इज़ अ डैट टाइप ऑफ इंजरी जिसमें जो हमारी बोन है वो डायगनली टूटती है। ठीक है, याद रखिएगा, डायगनली ब्रेकिंग ऑफ एनी बोन इज नोन एज ओब्लिक्यू फ्रैक्चर। ठीक है, ये हो गया। और इसका सबसे मेन चीज क्या होता है कि ये लॉन्ग जो हमारी बोन्स होती हैं उसमें होता है। ठीक है, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं हमारी बॉडी की, ये फ्रैक्चर ज़्यादातर उन बोन्स में होता है। और हमारी बोन में फ्रैक्चर एक ऐसे होता है, डायगनली फ्रैक्चर जो हमारा होता है वो हमारा ओब्लिक्यू फ्रैक्चर होता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फ्रैक्चर की, जो कि है कंपाउंड फ्रैक्चर। बच्चा कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है चलिए जानते हैं। देखिए, कंपाउंड फ्रैक्चर बच्चा वो फ्रैक्चर होता है जिसमें हमारी बोन टूटती तो है बट विद डिसलोकेशन, मींस हमारा बोन डिसलोकेट भी हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, हमारा बोन डिसलोकेट भी हुआ है और हमारा बोन ब्रेक भी हुआ है, मींस हमारे बोन में फ्रैक्चर भी है और डिसलोकेशन भी है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जब भी ये दोनों एक साथ होती हैं, डैट फ्रैक्चर इज नोन एज कंपाउंड फ्रैक्चर। आई एम क्लियर। अब बात करते हैं अपने लास्ट फ्रैक्चर की टाइप की, जो कि है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है बच्चा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर बच्चा आप नाम से समझ सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मींस बहुत ही टफ होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा सीरियस जो फ्रैक्चर हमारा होता है वो होता है। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होता है जिसमें हमारी बोन टूटती है और वो बोन हमारे किसी इंटरनल ऑर्गन्स को, लाइक माइंड को हो गया, आपके हार्ट को हो गया, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, एनीथिंग, उन सारे पार्ट्स को डैमेज करती है या किसी भी एक पार्ट को डैमेज करती है। लाइक अगर ये आपकी बोन टूटी और ये आपकी बोन टूट के आपके हार्ट में घुस गई तो इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, इससे इंसान की जान भी जा सकती है। तो डैट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज नोन एज कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कन्फ्यूज मत होइएगा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में। और आपका एक था इम्पार्टेड फ्रैक्चर। इम्पार्टेड फ्रैक्चर में बोन टूटती है और दूसरी बोन से टच होके उसको डैमेज करती है, बट इसमें क्या था, बोन टूटती है और हमारे जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, लाइक एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आपका कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम हो गया, आपका नर्वस सिस्टम हो गया, इन सारे सिस्टम में से किसी भी एक सिस्टम को या दो सिस्टम को या हमारी बॉडी के कोई भी मेन इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करती है, दैट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज नोन एज कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ओके, आई होप आई एम क्लियर। अब इसके बाद में मैंने आपको सारे फ्रैक्चर्स बता दिए गए, अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स की, कि फ्रैक्चर होता है तो उसके सिम्टम्स होते क्या हैं, या सिम्टम्स ऑफ बोन इंजरीज, जो हमारी बोन्स में जब इंजरीज लगती हैं तो सिम्टम्स होते क्या हैं। सबसे पहला सिम्टम आप उसमें लिखेंगे पेनिंग अराउंड दैट पार्ट वेयर द फ्रैक्चर हैपन। ठीक है, सेकंड आप लिखेंगे स्वेलिंग अराउंड दैट पार्ट वेयर द फ्रैक्चर हैपन, जहाँ भी आपका फ्रैक्चर होता है वो वाला पार्ट स्वेलअप कर जाता है, तो ये दो फ्रैक्चर आपने लिख दिए। तीसरा फ्रैक्चर आप लिखेंगे कि मूवमेंट नहीं होता, उस बोन का मूवमेंट आप नहीं कर पाएंगे, इट इज़ फ्री, या तो वो फ्री हो जाएगी या वो रेजिस्ट हो जाएगी किसी जगह पे, कि आप उस बोन का मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। ओके, दिस इज द थर्ड वन। फोर्थ हमारा हो गया डिसलोकेशन। कभी कभी डिसलोकेशन हो जाता है, तो आप सबको पता है कि जब डिसलोकेट होती है हमारी बोन तो हमारा पॉस्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो दीज आर द सम सिम्टम्स ऑफ बोन इंजरी। अब इसके हम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, या फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट ऑफ बोन इंजरीज। ठीक है, बोन इंजरीज जो हमें लगती है उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसको हमें ट्रीट कैसे करना है, उसके लिए हमें फर्स्ट एड कैसे देना है, तो चलिए पॉइंट वाइज पॉइंट जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है फर्स्ट एड में, वो है जिस भी पार्ट का बोन टूटा है या जहाँ भी उसको लग रहा है कि मेरा यहाँ का बोन टूटा है, वी हैव टू कैप डेट पार्ट इन अ सेम पोजिशन। हमें उसका ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है। जो भी विक्टम है, जहाँ भी उसको चोट लगी है, अगर उसको लगता है कि उसके हाथ की बोन टूटी हुई है, तो उसको अपना एक ही जगह पे उसको रखना है, ज़्यादा मूव नहीं करना है। ठीक है, सेकंड मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो आप सबको पता है जब भी आपका बोन टूटता है, क्योंकि सिम्टम्स की बात करता हूँ ना, तो उन्हीं में से मैं ले रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, सिम्टम्स में हमने क्या बोला था सेकंड, कि स्वेलिंग आ जाती है, तो जब भी हम स्वेलिंग कहीं आती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम आइस पैक लगाते हैं। तो सेकंड मैनेजमेंट इज अप्लाइंग आइस पैक
ऑन डैट पर्सन पार्ट, जहाँ पर भी उसको इंजरी हुआ है या उसका बोन टूटा है। ओके, अब हम थर्ड मैनेजमेंट की बात करते हैं। अच्छा, आप सबको पता है जब भी कोई भी बोन टूटता है तो उसका हमें मूवमेंट नहीं करना होता है ज़्यादा, मैंने फर्स्ट आपको यही मैनेजमेंट बताया था। तो उसके लिए हमें एक अप्लाई बैंडेज और कोई भी एज अ सपोर्टर, लाइक अगर हम हाथ ऐसे रखते हैं जब भी हमारा हाथ टूटता है तो एक सपोर्टर होता है, तो वो सपोर्टर उस जगह पर पहनाया जाए ताकि उनके हाथ का ज़्यादा मूवमेंट ना हो और उनके हाथ को प्रॉपर रेस्ट मिले। तो दिस इज द फर्स्ट एड और अ मैनेजमेंट। थर्ड मैनेजमेंट आपको मैंने बता दिया, एंड नाउ द फोर्थ मैनेजमेंट इज आप ऐसी पोजीशन में, मैंने बताया कि आइस पैक लगाइए, बॉडी पार्ट को मूवमेंट कीजिए, लाइक अगर आपका जॉइंट जो भी टूटा है या फिर जो भी बोन टूटा है उस पार्ट को आप मूवमेंट मत कीजिए, उस बोन का ज़्यादा मूवमेंट मत कीजिए और उसके बाद में उसको सपोर्ट दे दीजिए। ये तीन करने के बाद में आपको उनको डॉक्टर के पास ले जाना। तो फोर्थ मैनेजमेंट इज टेक टू द एक्सपर्ट और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स कौन होते हैं? जो जॉइंट्स एंड बोन, जो हमारी इंजरीज होती हैं हड्डियों की, उनके डॉक्टर होते हैं। तो उनके पास ले जाइए और उनका ट्रीटमेंट कराइए। दिस इज अ होल थिंग। और उसके बाद में जैसे ही आपका जो भी ट्रीटमेंट होता है, द फिफ्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट इज आफ्टर गेटिंग एनी ट्रीटमेंट ऑफ एनी ऑपरेशन फॉर योर बोन इंजरी, उसके बाद में रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मीन्स फिजियोथेरेपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम सेइंग अगेन, फिजियोथेरेपी पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर एनी ऑपरेशन ऑफ एनी बोन इंजरी। ओके, आई एम क्लियर। सबसे पहला क्या था बच्चा मैनेजमेंट, कि उस पार्ट को, उस जॉइंट को मूव मत कराइए, स्टिल पोजिशन पर रखिए जहाँ पर है। सेकेंड आपका क्या था? आइस कंप्रेशन। थर्ड आपका क्या था? कि उस पार्ट को सपोर्ट दीजिए किसी भी सपोर्टर से। फोर्थ आपका क्या था? ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, लाइक हड्डी का प्रॉब्लम है तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनके पास उनको ले जाइए। एंड द फिफ्थ वन, आफ्टर एनी ऑपरेशन और अ ट्रीटमेंट आप रिहैबिलिटेशन मींस फिजियोथेरेपी ऑफ दैट पार्ट ज़रूर करवाइए। ओके, तो आई एम क्लियर। मैंने आज आपका ये 7 चैप्टर खत्म कर दिया 4 पार्ट्स में। तीनों पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी अगर इसमें से आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी चीज़ पूछनी है, तो प्लीज़ मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और बाकी ये जो फ्रैक्चर्स हैं, ये वाले बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जनरली पूछा जाता है, ओब्लिक्लू फ्रैक्चर पूछा जाता है। तो बच्चा यही कुछ फ्रैक्चर्स हैं जो पूछे जाते हैं। हमने सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज भी कर ली, हमारी स्किन था उसमें, और एक हमारा क्या था, हमारा था मसल इंजरी थी, और हार्ट टिश्यू इंजरीज में हमने डिसलोकेशन भी कर लिया, हमने फ्रैक्चर्स भी कर लिए हैं, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ये चैप्टर आज हम खत्म करते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं जिन्हें वीडियो देखी है अगर उनको पसंद हो, प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब कीजिए मत जाइएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको क्वालिटी नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मिल सके। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।